हेलो एवरी वन लेट कंटिन्यू आर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव पहला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन और मेनी मैनी सोल्यूशंस केस देर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश दे रखे हैं उसमें से आपको पहचाना कि किस पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है किसका नो no सोल्यूशन है एंड किसका इंफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है और फिर कहा गया है आपसे अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसको फाइंड कीजिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये मेथड वो मेथड है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था चलिए देखते हैं पहला पार्ट इक्वेशन से हमारे पास x माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वस टू जीरो एंड 3x एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इज इक्व टू जीरो अब देखिए जो पहला पार्ट है इसका कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा ये हमने पहले भी किया है सेकेंड एक्सरसाइज में है ना उसमें ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू इनके रेशियोज को निकाल कर हम पता करते थे कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है ओके okay? बस यूनिक सोल्यूशन आने पर हम उसको सॉल्व करना है बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वस टू जीरो अब देखिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखिए हाँ ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू निकाल लेते हैं देखिए ए वन क्या होता है एक्स का कोफिशियंट पहली इक्वेशन में देखिए एक्स का कोफिशियन क्या है वन तो ए वन की वैल्यू होगी वन वाई का कोफिशन देखिए माइनस थ्री यानी कि बी वन की वैल्यू होगी माइनस थ्री कॉन्स्टेंट टर्म देखिए माइनस का थ्री यानी कि सी वन हो गया माइनस थ्री इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं देखिए एक्स का कोफिशियन क्या है थ्री तो ए टू की वैल्यू होगी थ्री y का क्या है माइनस का नाइन तो बी टू की वैल्यू होगी गई माइनस नाइन एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस टू दैनस की वैल्यू हो गई माइनस टू अब हमें क्या करना होता है रेशियो निकालना होता है किसका ए वन का ए टू से बी वन का बी टू से एंड सी वन का सी टू से ओके देखिए ए वन अपॉन ए टू कितना होगा वन अपॉन थ्री है ना बी वन अपॉन बी टू यानी कि माइनस थ्री अपॉन माइनस नाइन दैट मीनस देखिए माइनस से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा एंड थ्री वन 3 थ्री थ्री जै नाइन ये भी कितना आ गया टू ये होगा ये देखिए माइनस से माइनस वन कैंसिल हो गया यानी कि थ्री अपॉन टू अगर आप इसको ध्यान से देखें तीनों रेशियोज को तो आपको पता चल रहा है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वस टू बी वन अपॉन बी टू है क्यों देखिए ए वन अपॉन ए टू का रेशियो कितना है देखिए वन अपॉन थ्री बी वन और बी टू का रेशियो कितना है वन अपॉन्ट थ्री ये दोनों तो इक्वल है लेकिन जो थर्ड रेशियो है वो कितना है थ्री अपॉइंट टू है यानी कि वो अनइक्वल है अब आपको ये पता होना चाहिए ये किसका रिलेशन है किसकी कंडीशन है ये लाइन्स पैरल होने की कंडीशन है इसलिए हमने यहां पे लिखा देखिए सो वी गेट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये लाइन्स कैसी होंगी पैरल होंगी सो द लाइन्स आर पैरल अगर लाइन्स पैरल हैं ओके तो कितने सोल्यूशन होते हैं कोई भी सोल्यूशन नहीं होता हाँ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया हमें बताना था कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसके पास या फिर नो सोल्यूशन होगा या इंफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा तो इसमें कितना सोल्यूशन है इसमें नो सोल्यूशन दैट मीन इट हैज नो सोल्यूशन सेकेंड पार्ट कह रहा था अगर यूनिक सोल्यूशन हो तो सॉल्व कीजिए तो ये यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे देखते हैं टू एक्स प्लस टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस टू एट अब देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए फाइव को इस तरफ ले जाइए ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ओके okay. अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए एट को इस तरफ ले आइए ये भी माइनस हो जाएगा तो आपके पास नया इक्वेशन बन के आएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्व टू जीरो हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन अब देखिए क्या काम करना होता है हमें ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं देखिए एक्स का कोफिशन पहले इक्वेशन में एक्स का कोफिशन क्या है टू यानी कि ए वन की वैल्यू हो गई टू एंड वाई का कोविशन क्या है वन बी तो वन की वैल्यू हो गई वन कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस फाइव यानी कि सी वन की वैल्यू हो गई माइनस फाइव अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए एक्स का कोपिशन क्या है थ्री यानी कि ए टू हो गया थ्री वाई का कोपिशन क्या है टू यानी कि बी टू की वैल्यू हो गई टू एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस एट तो हमारा सी टू की वैल्यू हो गई माइनस का एट अब हम क्या करेंगे रेशियोज निकालेंगे देखिए ए वन अपॉन ए टू यानी कि टू अपॉन थ्री एंड बी वन अपॉन बी टू का रेशियो कितना आएगा वन अपॉन टू इसी तरीके से सी वन एंड सी टू का रेशियो निकालते हैं ये क्या आएगा माइनस फाइव अपॉन माइनस एट यानी कि फाइव अपॉन एट आपने देखा कि तीनों रेशियो अनइक्वल है ए वन अपॉन ए टू टू अपॉन थ्री है बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन टू है सी वन अपॉन सी टू फाइव अपॉन एट है ना तीनों अनइक्वल है तो मैंने आपको बताया था जब तीनों अनइक्वल होता है तो हम पहले दोनों रेशियो को लेते हैं ओके सो वी गेट a1 upon a2 is not इज नॉट इक्वल टू b2. वन अपॉन किसकी कंडीशन होती है हाँ ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की यानी कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनिक सोल्यूशन क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो उसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हाँ ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते थे पहले हम लिखते थे x, y एंड वन है ना उसके नीचे हम लिखते थे कोफिशेंट्स किस ऑर्डर में b1, c1, a1 एंड b1 और दूसरी क्वेश्चन के लिए b2, c2, a2 एंड b2 ओके b1 से शुरू किया b1 से एंड किया b2 से शुरू किया एंड b2 से एंड किया तो देखिए यहाँ पे b1 है हमारा वन तो मैंने यहाँ पे वन लिखा है एंड C1 है हमारा माइनस फाइव देखिए यहाँ पे माइनस फाइव लिखा है मैंने एंड A1 है हमारा टू तो यहाँ पे टू लिखा है मैंने फिर क्या आएगा हमारा B1 यानी कि वन ओके अब देखिए B2 B2 है हमारा टू है ना तो टू यहाँ लिखा हुआ है फिर हमारा C2 कितना है माइनस का एट तो देखिए C2 है हमारा माइनस एट फिर A2 कितना है थ्री तो देखिए A2 है हमारा थ्री फिर हमारा क्या आएगा B2 टू दैट इज टू अब हम क्या करेंगे ये जो x है वो हमारा किस में चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो देखिए x अपॉन फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है जो हमारे नीचे नंबर्स लिखे हैं इनको हम क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस निकालते थे है ना देखिए वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट से तो कितना आएगा माइनस का एट ये देखिए यहां पे फिर हम क्या करते थे डिफरेंस निकालते थे ये माइनस साइन हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं अब देखिए टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव से कितना आएगा माइनस का टेन तो मैंने ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दिया है माइनस का टेन इसी तरीके से देखिए अब y न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिए माइनस फाइव इंटू थ्री यानी कि माइनस फिफ्टीन फिर माइनस लगाएंगे खुद से है ना फिर देखिए माइनस एट इंटू टू कितना आएगा माइनस सिक्सटीन ओके इसी तरीके से वन न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपके पास आएगा वन अपॉन अब देखिए टू टू ज फोर तो यहाँ आ गया फोर फिर माइनस करेंगे हम थ्री इंटू वन कितना आएगा थ्री है ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन माइनस एट माइनस माइनस टेन कितना होगा देखिए माइनस एट माइनस माइनस टेन कितना हो जाएगा प्लस का टेन यानी कि सॉल्व करके कितना आएगा टू तो ये हो गया एक्स अपॉन टू है ना अब देखिए वाई अपॉन माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस सिक्सटीन यानी कि माइनस फिफ्टीन सिक्सटीन हो जाएगा ये कितना आएगा वन है ना तो आपके पास होगा वाई अपॉन वन इधर देखिए वन अपॉन फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन तो ये हो गया 1 upon 1. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था पहले हम एक वेरिएबल वाला टर्म और एक कॉन्स्टेंट टर्म टर्म को इक्वल करते हैं है ना तो एक्स अपॉन टू को इक्वल रख दे रहा हूं मैं वन अपॉन वन की टू यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा अब हम क्या करेंगे एक और वेरिएबल वाला टर्म एंड एक कॉन्स्टेंट टर्म तो वाई अपॉन वन को इक्वल रखेंगे हम वन अपॉन वन के यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी तो आपके पास आ गया है एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू वन ओके आगे देखते हैं थर्ड पार्ट देखिए थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वस टू ट्वेंटी एंड सिक्स एक्स माइनस टेन वाई इज इक्व टू फोर्टी अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वस टू जीरो ट्वेंटी को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वस टू जीरो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में देखिए फोर्टी इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तो आपके पास आएगा सिक्स एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टी इज इक्व टू जीरो हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन अब हम क्या करेंगे कोफिशंस को निकालेंगे तो पहली इक्वेशन को देखिए x का कोपिशन क्या है थ्री यानी कि a1 की वैल्यू हो गई थ्री y का कोपिशन क्या है माइनस फाइव यानी कि b1 की वैल्यू हो गई माइनस फाइव एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस ट्वेंटी यानी c1 की वैल्यू हो गई माइनस ट्वेंटी अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं x का कोफिशन क्या है सिक्स टू की वैल्यू होगी सिक्स वाई का कॉपिशन क्या है माइनस टेन यानी कि बी टू की वैल्यू होगी माइनस टेन एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस फोर्टी यानी कि सी टू की वैल्यू हो गई माइनस फोर्टी अब हम क्या करेंगे रेशियोज निकालेंगे कौन से रेशियोज ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू ओके ये रेशियोज निकाल लेते हैं हम ए वन अपॉन ए टू कितना होगा देखिए थ्री अपॉन सिक्स यानी कि ये कितना हो जाएगा वन अपॉइंट टू ओके एंड बी वन अपॉइंट बी टू कितना होगा माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन ये भी कितना हो जाएगा टू सी वन अपॉन सी टू देखिए माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस फोर्टी ये देखिए माइनस से माइनस वन कैंसिल आपके पास ये भी कितना आएगा वन अपॉइंट टू तो आपने देखा कि तीनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल हैं. किसके इक्वल हैं ये वन अपॉन टू के है ना तो तीनों रेशियो जब इक्वल आता है ये किसकी कंडीशन होती है ये होती है को इंसिडेंट की किसकी कंडीशन होती है को इंसिडेंट एक होती है लाइन तो इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं हा वेरी गुड इसमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं ओके अब हमें सेकेंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें क्यों क्योंकि उसमें बोला गया था कि यूनिक सोल्यूशन हो तो ही इसको सॉल्व करें यहां पे कितने सोल्यूशन हैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन ओके आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट देखिए x माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्व टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस थ्री बाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वस टू जीरो तो देखिए पहला स्टेप क्या होता था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है है ना तो अब हम क्या करेंगे इनके कोपिशंस निकालेंगे तो देखिए पहले इक्वेशन में x का कोपिशन क्या है वन यानी कि ए वन की वैल्यू हो गई वन एंड y का कोपिशन क्या है माइनस थ्री यानी कि बी वन की वैल्यू हो गई माइनस थ्री कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस सेवन यानी कि सी वन की वैल्यू हो गई माइनस सेवन एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए एक्स का कोपिशन क्या है थ्री यानी कि ए टू की वैल्यू हो गई थ्री वाई का कोपिशन क्या है माइनस थ्री तो बी टू की वैल्यू हो गई माइनस थ्री कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस फिफ्टीन यानी कि सी टू की वैल्यू हो गई माइनस फिफ्टीन अब हम क्या करेंगे रेशियोज निकालेंगे तो रेशियोज देखिए ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा वन अपॉन थ्री है ना बी वन अपॉन बी टू ये कितना आएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री दैट मीन वन सी वन अपॉन सी टू देखिए माइनस सेवन अपॉन माइनस फिफ्टीन यानी कि सेवन अपॉन फिफ्टीन तो आपने देखा तीनोंक्वल हैं. पहला रेशियोन थ्री है सेकेंड रेशियो वन है एंड थर्ड रेशियो सेवन अपॉन फिफ्टीन है जब तीनों अनइक्वल होता है तो हम क्या करते हैं पहले दो रेशियो को लिखते हैं है ना तो हमारे पास आ गया ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इसका मतलब क्या हो गया इसके कितने सोल्यूशन होंगे हां एक सोल्यूशन होगा यानी कि यूनिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन अब क्योंकि इसको यूनिक सोल्यूशन है इसमें तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे एक्स वाई एंड वन ओके फिर हम क्या करेंगे कोफिशेंट को लिखेंगे किस ऑर्डर में बी वन सी वन ए वन एंड बी वन फिर नीचे क्या लिखेंगे बी टू सी टू ए टू एंड बी टू ओके तो देखिए बी वन क्या है हमारा माइनस थ्री माइनस थ्री लिख दिया मैंने उसके बाद है. तो यहाँ पे माइनस सेवन आ गया फिर है हमारा ए वन ए वन कितना है वन तो यहाँ देखिए वन फिर क्या आएगा हमारा बी वन तो ये कितना है माइनस का थ्री अब देखिए बी टू कितना है माइनस थ्री तो देखिए यहाँ पे माइनस थ्री है फिर C2 कितना है हमारा माइनस फिफ्टीन यानी कि माइनस फिफ्टीन यहाँ लिख दिया मैंने अब देखिए A2 कितना है थ्री तो यहाँ पे थ्री लिख दिया उसके बाद क्या आएगा हमारा B1 वन सॉरी बी कितना आएगा माइनस का थ्री अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे x को न्यूमरेटर में रखेंगे तो देखिए x अपॉन फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस का होगा

तो हम ब्रैकेट में माइनस का फिफ्टीन लगाएंगे क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं है ना अब और देखिए वन को हम न्यूमिनेटर में रखते हैं फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा वन इंटू माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री फिर सब्ट्रैक्शन का साइन थ्री इंटू माइनस थ्री कितना आएगा माइनस का नाइन तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे अब सॉल्व कर लेते हैं इसको फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर दैट मीन्स एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर यहां पे देखिए माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस फिफ्टीन मतलब प्लस का फिफ्टीन हो गया तो ट्वेंटी वन में से फिफ्टीन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सिक्स लेकिन कैसा आएगा नेगेटिव का क्योंकि ट्वेंटी वन बड़ा है ना अब देखिए माइनस थ्री माइनस माइनस नाइन दैट मीन्स नाइन में से थ्री को माइनस करना है कितना हो जाएगा सिक्स तो आपके पास आ गया एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर वाई अपॉन माइनस सिक्स एंड वन अपॉन सिक्स अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ईजी है एक वेरिएबल वाला टर्म एक कॉन्स्टेंट टर्म इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम तो एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन अपॉइंट सिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे तो ट्वेंटी फोर वहां जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई तो देखिए, एक्स इज इक्वस टू ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स दैट मीन्स फोर है ना तो एक्स की वैल्यू आ गई फोर इसी तरीके से अब देखिए वाई वाले टर्म को हम कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे तो वाई अपॉन माइनस सिक्स इज टू वन सिक्स कितना आएगा देखिए ये माइनस सिक्स वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन सिक्स दैट मीन्स वाई की वैल्यू हो गई माइनस वन एक्स की वैल्यू आ चुकी है फोर एंड वाई की वैल्यू माइनस वन आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इक्वेश नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछा गया है कि ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि जो दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखे हैं इनको सॉल्व करके कितने सोल्यूशन आने चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ओके इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था लेकिन एग्जाम्पल के कंपेरिजन में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की ओके okay? तो हमारे पास पहला इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में इन एक्स प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस बी माइनस टू ओके अब देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हम ए वन बी वन और सी वन की वैल्यूज निकाल सके ओके okay? तो देखिए कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो इसी तरीके सेवेशन के लिए क्या होगा ये पूरा टर्म वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा है ना तो देखिए मैंने क्या किया है एक ब्रैकेट लगा के लिखा है इसको देखिए ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इन टू वाई माइनस फिर ब्रैकेट में लिखा है मैंने, 3A B, 2, क्योंकि चेंज होंगे, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगाया इज इक्वल टू तो जीरो अब देखिए पहले क्वेश्चन में एक्स का कोफिशियन क्या है टू यानी कि ए वन की, की वैल्यू हो गई टू वाई का कोफिशियन क्या है थ्री यानी कि बी वन की, की वैल्यू हो गई थ्री एंड Constant term क्या है माइनस का सेवन यानी कि c1 की वैल्यू हो गई माइनस का सेवन अब देखिए दूसरे में x का coefficient क्या है a minus B. That means a2 की वैल्यू हो गई a प्लस बी एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा ये पूरा हमारा ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो देखिए c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस फिर ब्रैकेट में है थ्री ए प्लस बी माइनस टू अब देखिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए है ना उस हिसाब से ए और बी की वैल्यू निकालिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वस टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वस टू सी वन अपॉन सी टू ये कंडीशन होती है है ना अब देखिए वैल्यू सब्स्यूट कर देते हैं वन अपॉन ए टू यानी कि टू अपॉन ए माइनस बी टू बी वन अपॉन बी टू तो क्या हो जाएगा देखिए थ्री अपॉन ए प्लस बी एंड सी वन अपॉन सी टू कितना होगा देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि इन तीनों रेशियो में हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहले दो रेशियो को इक्वल रखेंगे उसके बाद लास्ट के दो को इक्वल रखेंगे आपकी मर्जी आप किसी को भी इक्वल रख सकते हैं क्योंकि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं ओके okay? तो देखिए हम अपने सुविधा के लिए पहले दो रेशियो को इक्वल रख लेते हैं एंड लास्ट टू रेशियोज को इक्वल रख लेते हैं सॉल्व करते हैं देखिए टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बचेगा टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री बी अब देखिए टू ए को उस तरफ भेज दीजिए ये माइनस हो जाएगा एंड टू बी को भी उधर भेज दीजिए ये भी माइनस हो जाएगा तो आपके पास इस तरफ बचेगा जीरो और यहाँ पे आएगा देखिए थ्री ए माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस टू बी सॉल्व कर लेते हैं इसको जीरो इज इक्वस टू थ्री ए माइनस टू ए मतलब ए एंड माइनस थ्री बी माइनस टू बी कितना हो जाएगा माइनस फाइव बी यानी कि आपके पास आ गया ए माइनस फाइव बी इज इक्वस टू जीरो हो गया आपका पहला इक्वेशन अगर आप एनी क्वेश्चंस को कुछ नाम देते हैं तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा ओके okay? अब देखिए लास्ट टू रेशियस को इक्वल रखते हैं हम तो क्या है देखिए 3 अपॉन a plus b is equals to 7 अपॉन 3a b minus 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास बचेगा 9a 3b 6 7a 7b अब देखिए सेवन ए को इस तरफ ले जाता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा माइनस है ना तो नाइन ए माइनस सेवन ए अब सेवन बी को उधर ले जाऊँगा वो भी माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा थ्री बी माइनस सेवन बी एंड सिक्स को उधर ले जाता हूँ ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इज इक्वस टू सिक्स सॉल्व कर लेते हैं नाइन ए माइनस सेवन ए कितना आएगा टू ए एंड थ्री बी माइनस सेवन बी कितना आएगा माइनस फोर बी इज इक्वस टू सिक्स ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं है ना ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं आप सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है है ना तो मैं अब क्या करूँगा मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पहली इक्वेशन थी आपकी ए माइनस फाइव बी इज इक्व टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन थी आपकी टू ए माइनस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स अब देखिए मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही करना है अगर आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो आप उसको भी कर सकते हैं तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन पहली इक्वेशन में से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं देखिए फाइव बी वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ए की वैल्यू आएगी फाइव बी ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया अब हम क्या करेंगे थर्ड की वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे है ना पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड तो देखिए इक्वेश्चन सेकेंड है आपकी टू ए माइनस फोर बी इज इक्व टू सिक्स अब देखिए टू इंटू ए ए की वैल्यू क्या डालेंगे हम फाइव बी तो देखिए टू इंटू फाइव बी माइनस फोर बी इज इक्व टू सिक्स कर लेते हैं टू फाइव से टेन हो जाएगा तो आपके पास आएगा टेन बी माइनस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स यानी कि सिक्स बी इज इक्वल टू सिक्स ये सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बचेगा बी इज इक्व टू सिक्स अपॉन सिक्स दैट मीन्स वन तो बी की वैल्यू कितनी आ गई वन अब देखिए इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सके पुट दिस वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड तो आप बी की वैल्यू डालेंगे one. तो दैट की वैल्यू हो गई फाइव ओके तो हमारे पास ए की वैल्यू फाइव हो चुकी है एंड बी की वैल्यू वन यही हमसे पूछा गया था कि ए और बी की वैल्यू निकालिए जिससे कि

तो इन दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में एग्जाम्पल वाला और ये तो एग्जाम्पल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए वन को उस तरफ भेजाएंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए ये टू के प्लस वन को मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा है ना तो देखिए टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई माइनस फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि ये देखे कि दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं है ना टू के प्लस वन ये आ गया हमारे ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू जीरो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन अब देखिए हम ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोपिशन क्या है थ्री यानी कि ए वन की वैल्यू हो गई थ्री वाई का कोपिशन क्या है वन तो बी वन की वैल्यू हो गई वन एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस का वन तो सी वन की वैल्यू हो गई माइनस का वन इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में देखिए एक्स का कोपिशन क्या है टू के माइनस वन तो ए टू की वैल्यू हो गई टू के माइनस वन एंड वाई का कोपिशन क्या है के माइनस वन तो बी टू की वैल्यू हो गई के माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म क्या है देखिए माइनस का और फिर ब्रैकेट के अंदर है टू के प्लस वन तो सी टू की वैल्यू हो गई माइनस फिर ब्रैकेट में

माइनस ब्रैकेट में टू के प्लस वन तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये आएगा थ्री अपॉन टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन बट नॉट इक्वल टू वन अपॉन टू के प्लस वन ओके अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है क्यों देखिए पहले दो रेशियो इक्वल है एंड थर्ड रेशियो अनइक्वल है तो हम अनइक्वल वाले के इक्वल रखेंगे ही नहीं है ना हम इतने को ही सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकालेंगे तो देखिए थ्री अपॉन टू के माइनस वन इज इक्वस टू वन अपॉन के माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास बचेगा थ्री के माइनस थ्री इज इक्वस टू टू के माइनस वन है ना ये टू के को उस तरफ ले जाइए माइनस हो जाएगा एंड थ्री को तो ले जाइए प्लस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा थ्री के माइनस टू के इज इक्वस टू माइनस वन प्लस थ्री तो यानी कि देखिए कितना आएगा थ्री के माइनस टू के दैट मीन्स के है ना माइनस वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टू तो के की वैल्यू आ गई टू कितना सिंपल क्वेश्चन था देखिए एग्जाम्पल वाला जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए थैंक यू हैव अ नाइस डे